हाँ जी, तो अब आफ्टर द क्यूब एंड क्यूबॉइड, आफ्टर द क्यूब एंड क्यूबॉइड वी आर कमिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेंडर एंड कोन. व्हाट? सिलेंडर एंड कोन, सिलेंडर एंड कोन. अभी हमने जस्ट एक्सप्लेन किया था आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड, एंड आफ्टर द क्यूब एंड क्यूबॉइड We are coming in the concept of cylinder and cone. और I explain in two simple way. हमारा main focus रहता है कि आपको formula याद करने की requirement ना हो, रटने की requirement नहीं हो. By understanding the figure, concept of figure, you can explain the cylinder or the formula of cylinder. तो आप देखेंगे cylinder को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. और खासकर ये भाई पप्पू के लिए यूजफुल है बिकॉज वो याद करते करते रट गए हैं लेकिन अभी तक याद नहीं हुए हैं. तो प्लीज से ये आर. अब सिलेंडर का आप ये फिगर है, ये इट इज द one of the cylinder. It has the PSA, plane surface area. बेटा ये है PSA, plane surface area, और ये plane surface area. ये plane है, so it is known as plane surface area. हाँ तो भाई पप्पू, now tell me how many CSA here, curved surface area. क्या टू? और नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि जब पीएसए टू हो तो सीएसए भी टू होगा. नो 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 नो, इट इज नॉट इसेंशियल. ये कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट इसेंशियल. हियर इज द सीएसए इज वन, सीएसए कर्व सरफेस एरिया इज वन. तो पीएसए कितना पीएसए है, हाउ मेनी पीएसए? टू. एंड हाउ मेनी सीएसए? वन. PSA 2 and CSA 1, or PSA in the shape of circle, then it has the two circles. और आपको याद है ही कि plane surface area of cylinder pi r square plus pi r square, because there are two circles. How many circles? Two. तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर. क्लियर हो गया? क्लियर हुआ बेटा पप्पू? हाँ. ओके, देन सीएसए, ये था प्लेन सरफेस एरिया, पीएसए प्लेन सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया, पीएसए प्लेन सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया, सीएसए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कभी मत रटो सीएसए टू पाई आर एच, सीएसए टू पाई आर एच, सीएसए. नो नो नो, ऐसे आपको नहीं रटना, नहीं रटना, बार बार मैं कह रहा हूं. पप्पू मानेगा ही नहीं, वो कहते रहो एक ही बात, वही बात करना है. बात होता, बात करते करते थक गए हैं बेटा, ऐसे नहीं करते, रटते नहीं, बार बार मत रटिए. टू पाई आर एच, टू पाई आर एच, देखिए टू पाई आर सर्कमफ्रेंस है बेटा, ये सर्कमफ्रेंस है, और सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट, सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट, सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट. तो सर्कमफ्रेंस टू पाई आर एच हाइट, तो ये है सीएसए कर्व सरफेस एरिया. क्या? कर्व सरफेस एरिया सीएसए ऑफ सिलेंडर. क्या? टू पाई आर एच, 2 pi r h. This is the curved surface area of cylinder. अब इसमें रटने की क्या बात है? नहीं ना. अब TSA, TSA क्या? हाँ हाँ, यस यस, CSA plus, यस यस यस, CSA plus PSA, correct. TSA equal to है CSA plus PSA, curved surface area plus plane surface area. तो बेटा curved surface area क्या है? 2 पाई आर एच. टीएसए होता है सीएसए, क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया. क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया.
कर्व सरफेस एरिया. व्हाई आई एम स्पीकिंग टू मेनी टाइम्स, इट इज द वे ऑफ टीचिंग एंड द ओल्डेस्ट टीचिंग ऑफ इंडिया. पहले लोगों को चारों वेद याद होते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्योंकि गुरु बार बार बोलते थे और स्टूडेंट बार बार सुनते थे. तो इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. जितना बार आपको मैं बोलूंगा आपके कान में आवाज जाएगी, आपके ब्रेन फोर ब्रेन में इंटरप्रिटेशन होगा और आप सुनेंगे. क्लियर? तो यहां 2πRH और प्लेन सरफेस एरिया 2πR2, 2πR2, अरे यही πR2 प्लस πR2, 2πR2. अब दोनों को आप ऐड कर दें तो 2πR कॉमन ले लीजिए तो H प्लस R, ये है TSA. हमें PSA पढ़ना है, प्लेन सरफेस एरिया. उसके बाद आपको पढ़ना है CSA. After that you have to read TSA and then volume. What volume? Volume of cylinder. Base area into height. Base area. Base area what? Pi r square into h. Pi r square base area into h. Pi r square h. तो ये है pi r square h. Now please tell me. भाई पप्पू याद हो गया आपको? अमन केजू आपको उस सीट पर था पहले, हाँ अब यहां आ गया. चल याद हो गया ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा. तो बेटा ये हमारा था द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेंडर. जहां आपको याद करने की जरूरत नहीं हो, व्हेन यू आर आस्क्ड टू यू पीएसए ऑफ सिलेंडर pi r square plus pi r square, 2 pi r square. CSA 2 pi r into h. TSA दोनों ऐड कर दें, PSA plus CSA और वॉल्यूम बेस एरिया into height. क्लियर? अब हम आते हैं कोन. नाउ बिकमिंग कोन. हमने पेयर में एक्सप्लेन किया है कि आपको याद हो जाए, फिर 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे. क्लियर? और इस बार है कोन. बेटा वही कोन जिसमें आप आइसक्रीम खाते हैं मजे से, यूं हाथ में पकड़ते हैं और यूं खाते हैं, वही कोन जिसमें आइसक्रीम भरा हो जाता है और यूं कोन है. कोन में ये रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन, दिस इज हाइट ऑफ द कोन, दिस इज एल, दिस इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट, दिस इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट, दिस इज कॉल्ड द रेडियस, इट इज कॉल्ड द हाइट. यहां भी दो सरफेसेस एरिया होता है, पीएसए एंड सीएसए. देयर आर ऑल्सो टू सरफेस एरिया, पीएसए एंड सीएसए. Then plane surface area of cone. Plane surface area of cone pi r square. This is the plane surface area of cone pi r square. ये PSA है ना, plane surface area of cone pi r square, because PSA plane cone जो होगा वो circle के form में होता है, नीचे का area. हाँ ये बेस एरिया जहां से आप आइसक्रीम खाना स्टार्ट करते हैं. एक तो ऊपर स्फेरिकल पार्ट में होता है, अगर आप पूरा खा गए तो ये जो नीचे बचता. अब सीएसए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल. देन टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पीएसए प्लस सीएसए, और पीएसए पाई आर स्क्वायर और सीएसए पाई आर एल. तो ये हो गया पाई आर इंटू आर प्लस एल. ये है आपका टीएसए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. अब है वॉल्यूम ऑफ कोन. व्हाट?
वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बेटा 1/3 एंड इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये फर्स्ट फार्मूला था, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला, फोर्थ फार्मूला। सिलेंडर का वॉल्यूम पक्को बता, भूल गया, कोई बात नहीं बेटा, फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अभी तो बताए हैं पाई आर स्क्वायर एच, और जितने बच्चे हैं आप पूछने सबको याद हो गया है। ये तीन बच्चा से ना, दो बच्चा से मैं बहुत परेशान हूं, एक तो पप्पू हो गया और एक केजरू हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हूं। चलो कोई बात नहीं, देख लो 1/3 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 कोन, कोन वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होगा स्फीयर और